कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधु, तुम सबका स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल विलाइक गेमिंग पे। तो गाइस यार, आज हम लोग यार वापस से खेलने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट 5 को। और गाइस यार, आज जो हमारा लोकी क्राफ्ट 5 का एपिसोड होने वाला है, एपिसोड नहीं तुम लोग से वीडियो को, तो यार आज जो हमारी वीडियो होने वाली है यार, वो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो क्या आज की वीडियो में हम कुछ काम ही ऐसा करने वाले हैं जो कि यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो यार अगर यार तुम यार चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को जल्द जाके सब्सक्राइब कर लो। यार मैं शुरुआत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अब यार हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं अपने 10K की फैमिली को रीच करने के लिए। और जैसा कि तुम सबको मैंने प्रॉमिस कराया है, 10K पे हम लोग रखने वाले हैं एक Q&A सेशन, जिसके अंदर तुम लोग मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी तुम्हारा मन करे। तो जल्द से आकर सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं कराए तो। अगर मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, और यार बहुत जल्द कुछ स्पेशल वीडियोज़ भी आने वाली हैं जिसके लिए यार मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी और उस पर तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया, तो भाई वो तुम लोग समझ भी सकते हो। तो चलो आज मैं बताता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम सबने देख लिया होगा थंबनेल में, क्या आज हम लोग लेके आने वाले हैं लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर में कमांड ब्लॉक। और गाइस कमांड ब्लॉक जिसको नहीं पता ना, एक बहुत ही ज़्यादा ओपी ब्लॉक होता है यार, नॉर्मल ब्लॉक से बिल्कुल अलग होता है। और यार ये कमांड ब्लॉक तुम्हें पहली बात इन्वेंट्री में कभी नहीं मिलेगा, चाहो तो तुम लोग चेक भी कर सकते हो मेरी देखो सारी इन्वेंट्री में, तुम्हें यहाँ कमांड ब्लॉक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं देखो तुम्हें पूरी इन्वेंट्री दिखा दे रहा हूँ, पर यहाँ पर तुम्हें कमांड ब्लॉक मिलेगा ही नहीं। पहले जब मैंने शुरुआत में माइनक्राफ्ट खेलना चालू करा था तो मेरे को लगता था कि यार कमांड ब्लॉक हमें इन्वेंट्री में मिलता है, पर नहीं, यहाँ पर अगर तुम लोग कमांड ब्लॉक सर्च भी करोगे ना तब भी तुम्हें कमांड ब्लॉक नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं कमांड डाल रहा हूँ पर यहाँ पे एक भी कमांड ब्लॉक का नाम का कोई ब्लॉक आ ही नहीं रहा है। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग यार पूरा एक बार मैं तुम्हें बताऊंगा इस वाली वीडियो में कि तुम लोग कैसे कमांड ब्लॉक ले सकते हो और यार क्या क्या यूज़ होते हैं कमांड ब्लॉक के। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और यार हम लोग कुछ ना मतलब कमांड ट्राई भी करके देखेंगे। और गाइस देखते हैं क्या वो इसके अंदर टेस्ट हो मतलब चल पाते हैं या फिर नहीं चल पाते, क्योंकि वो जो कमांड है वो सारे हैं 1.117 माइनक्राफ्ट के, तो एक बार हम लोग ज़रूर से चेक भी उन्हें करके देखेंगे। तो यार इसलिए अगर तुम यार चैनल में पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। और फिर तुम लोग मुझसे कहोगे कि लाइक भाई मेरे कमांड ब्लॉक नहीं आया, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक और जानकारी देना चाहूँगा। कमांड ब्लॉक यार किसी किसी वर्ल्ड में ही आता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से वर्ल्ड में आता है ताकि तुम्हें भी बड़े आराम से मिल जाए। तो यार देखो यहाँ मैं अपनी क्रिएट न्यू वर्ल्ड वाली स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो क्या इसी स्क्रीन से ना तुम्हें बिल्कुल मेन में शुरुआत से बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि तुम लोग कैसे कमांड ब्लॉक लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर ले सकते हो और उससे यूज़ कर सकते हो। तो यार देखो सबसे पहले तुम्हें एक नया वर्ल्ड बनाने से पहले एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है तुम्हारी चीट्स ऑन होनी चाहिए, चीट्स भाई वो होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ना क्रिएटिव करना पड़ता है। तो पहले हम लोग क्रिएटिव करेंगे और यहाँ पे देखो कंटिन्यू कर देना है, और उसके बाद में देखो नीचे हमारे यहाँ ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे चीट्स का, तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे चीट्स जो है वो एक्टिवेट हैं और ये एक्टिवेट ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग चीट्स एक्टिवेट नहीं करोगे तो तुम लोग को कमांड ब्लॉक का तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए चीट्स को हमेशा एक्टिवेट रखना है। और जैसे तुम लोग नीचे आते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है कमांड ब्लॉक्स इनेबल्ड का, तो ये तुम्हें ऐसे करके ऑन रखना है। वैसे हो सकता है तुम्हारा ऑफ हो, पर एक बार वर्ल्ड बनाने से पहले इस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लेना कि तुम्हारा जो कमांड ब्लॉक है वो इनेबल्ड हो रखा हो, अदरवाइज तुम्हारे पास कमांड ब्लॉक कभी नहीं आ पाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी सेटिंग को और नहीं छेड़ना है, बस तुम्हें चीट्स पर ध्यान देना है और तुम्हें यहाँ पर कमांड ब्लॉक को इनेबल करके रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम तुम्हें अब नहीं आएगी। तो अब देखो हम यहाँ पर नया वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ मैंने क्रिएट पे तो क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे देखो मेरा वर्ल्ड पूरा लोड ले रहा है, और अभी यार एक सेकंड के अंदर लोड हो जाएगा। लोडिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुकी है, और यार देख सकते हैं अभी हमारा वर्ल्ड बस जनरेट होने ही वाला है। तो यार देखते हैं, और यार देखो हमारा एक और नया वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। तो मैं तुम्हें देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से विदाउट किसी यार मतलब वीडियो को कट करे तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल भी फेक ना लगे। तो यार अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड आ चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपना फर्स्ट पर्सन व्यू कर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह बता पाऊँ कि तुम लोगों को कैसे कैसे कमांड ब्लॉक लेना है। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने फर्स्ट पर्सन व्यू के अंदर में, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कमांड ब्लॉक कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो यार देखो कमांड ब्लॉक लेने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया, तुम्हारे एक तो चीट्स ऑन होने चाहिए, और जैसे तुम्हारे चीट्स ऑन हो जाएंगे तो तुम्हारा कमांड ब्लॉक भी इनेबल्ड होना चाहिए। तो यार उसके बाद में तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, तो भाई ये शीप यहाँ पे कैसी हो रही है इन्हें पहले भगाओ। तो देखो उसका तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे चीट्स में आ जाना है। और कहीं से कमांड ब्लॉक को तुम लोग ना ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर बाई चांस तुम लोग कमांड ब्लॉक ले भी
भी लेते हो तो उसके बाद ना तुम्हें उसके लिए कोड्स वगैरह कमांड्स वगैरह डालनी पड़ती हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे कमांड ब्लॉक लेने का तरीका देख के वीडियो को वहीं छोड़ देंगे। तो अरे तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि अगर तुम लोग कमांड ब्लॉक ले भी लेते हो ना तो तुम उसे यूज़ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उसे यूज़ करने के लिए तुम्हें कुछ कमांड वगैरह चाहिए होते हैं, तो इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। और देखो यहाँ पे देखो मैंने अपना यही खोल लिया है चीट पैड और यहाँ पे देखो मैं अपना एक कमांड डालने वाला हूँ जो कि होने वाला है यहाँ पे स्लैश के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा स्पेस देके, क्या तुम लोग स्पेस ना भी तो चलेगा। यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा गिव, तो जैसे यहाँ पे मैं गिव लिखता हूँ अब गिव के बाद तुम्हें क्या करना है यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे लिखना है तुम्हें एट द रेट और एट द रेट के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना है एस और यहाँ पे एस लिखने के बाद में तुम्हें यहाँ पे वापस से स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद में देखो यार तुम लोग ने यहाँ से कुछ भी ले सकते हो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन भी ऊपर आ रहे हैं, तो पर तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे लिखना सी ओ डबल एम ए एन डी और जैसे तुम लोग यहाँ पे कमांड लिख लेते हो तो तुम्हारे पास देखो ऊपर चार ऑप्शन बने आते हैं कमांड ब्लॉक माइनक्राफ्ट चेन कमांड ब्लॉक और रिपीटिंग कमांड ब्लॉक। तो हमें सिंपली क्या करना है हमें यहाँ पे लेना है कमांड ब्लॉक, तो कमांड लिखने के बाद में तुम्हें यहाँ पे अंडरस्कोर देना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा ब्लॉक। तो ये लिखने के बाद में ये हमारा पहला चीट होता है कमांड ब्लॉक को लेने के लिए और जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो मेरी इन्वेंट्री के अंदर मेरा कमांड ब्लॉक मेरे हाथों में खुद ब खुद आ जाएगा, तो 1 2 3 तो देख सकते हो मेरे हाथों में ऑटोमेटिक यहाँ पे कमांड ब्लॉक आ चुका है। और यहाँ पे देखो मेरे पास साइड में लिखा भी आ रहा है यू हैव बीन गिवन अ कमांड ब्लॉक /1, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कमांड ब्लॉक आ चुका है। तो यार देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस कमांड ब्लॉक को यूज़ कैसे करना है क्योंकि देखो अगर तुम लोग कमांड ब्लॉक ले लेते हो तो तुम इसे यूज़ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इसके अंदर देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है जो तुम्हें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो मैं बेसिकली बताता हूँ तुम्हें क्या करना होता है कमांड ब्लॉक से। जैसे समझो तुम्हारे पास यहाँ पे कमांड ब्लॉक आ गया जो कि तुम्हें यहाँ पे समझ भी आ गया होगा और कमांड ब्लॉक लेने के बाद में तुम्हें यहाँ पे कमांड इनपुट करनी होती है जो कि हम लोग कुछ ट्राई भी करेंगे अभी माइनक्राफ्ट की और वो कमांड कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं भी तुम्हें एक आध कमांड बताऊंगा जिसे तुम लोग ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो क्या वो इसके अंदर वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ कमांड ना इसके अंदर वर्क ना करे क्योंकि इसमें कमांड ब्लॉक अभी रिसेंट में ही ऐड हुआ है जहाँ तक मेरे को याद है, जो अभी अपडेट आया था उसके अंदर ही इसके अंदर कमांड ब्लॉक ऐड हुआ है, तो अभी इसके अंदर ज़्यादा कमांड्स नहीं डाले गए हैं, सिर्फ हमें थोड़े बहुत कमांड का ही एक्सेस मिला है। और यार अभी मैं जो कमांड लेके आया हूँ उनके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो चलेंगे नहीं चलेंगे, तो भाई अगर वो चल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एपिक रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ये इंटरफेस देख सकते हो यहाँ पे सबसे तो मैंने कमांड डालने के बाद में यहाँ पे तुम्हें एक तो ब्लॉक टाइप को चूज करना होता है, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं तुम्हें इम्पल्स चेन और रिपीट, तो ये तीनों तो होते ही हैं इसके अंदर। वैसे ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो रिपीट यूज़ होता है क्योंकि जितनी कमांड अब तक मैंने देखी हैं उन सब में ज़्यादातर यार रिपीट का ही यूज़ करा जाता है, चेन और ये जो ये था ना चेन और इम्पल्स का इसका यूज़ बहुत ही माइनर करा जाता है। तो इस सब के बाद में तुम्हें यहाँ पे नीचे दिखती है कंडीशन, तो कंडीशन में तुम्हारे पास है अनकंडीशन और कंडीशन दो तुम्हें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर ना यहाँ पे अनकंडीशन का यूज़ रहता है, कंडीशन का किसी किसी कमांड में यूज़ रहता है जो कि मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन के बाद में तुम्हें यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है रेडस्टोन, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं नीड्स रेडस्टोन और ऑलवेज एक्टिव, तो यहाँ पे तुम्हें ऑलवेज एक्टिव पे ज़्यादातर रखना होता है, रेडस्टोन की ज़्यादातर तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस सब के बाद में यहाँ पे अब मैं कुछ कमांड्स भी डाल के तुम्हें दिखाऊंगा और अब मेरे को पूरा यकीन है कि वो कमांड्स हमारी वर्क भी करेंगी। तो देखो अभी इस सब के बाद में तुम्हारे पास यहाँ कमांड ब्लॉक का सारा तुम्हें इंटरफेस समझ आ गया होगा, तो चलो हम लोग क्या करते हैं कुछ हम लोग कमांड वगैरह डाल के देखते हैं और थोड़ी बहुत हम लोग मस्ती वगैरह भी करते हैं। तो चलो हम लोग कमांड ब्लॉक के अंदर अपनी पहली कमांड डालते हैं जो कि है यहाँ पे कमांड में इनपुट में डाके तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा एट द रेट, एट द रेट के बाद तुम्हें लिखना होगा यहाँ पे ए और इसके बाद में तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सा स्पेस देके तीन तुम्हें बनाने होंगे यहाँ पे पंछी, तो पंछी ये होते हैं वैसे तो तुम लोग इन्हें कुछ भी बोल सकते हो जो तुम्हारा मन करे। तो यार यहाँ देख सकते हो मैंने अपनी पूरी की पूरी कमांड यहाँ पे डाल के पूरी इनपुट कर दी है और यार देखो मैं तुम्हें पूरी कमांड एक बार दिखा भी देता हूँ, तो देख सकते हो ये है हमारी प्यारी सी कमांड। और इस तरह की कमांड तुम्हें डालनी होती है कमांड ब्लॉक के अंदर में, तो यार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो लगती हैं पर हाँ जब तुम लोग इन्हें डाल लेते हो तो मस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यार एक बार तुम लोग इस वाली कमांड का ले लो एक स्क्रीनशॉट ताकि हम लोग यार इसे यूज़ कर सकें और तुम भी इसे यूज़ कर सको। तो यार आई होप तुमने अब तक स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ और बैक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इनपुट कर देता हूँ। पर उससे पहले हमें दो चीज़ करनी होती हैं, जैसे कि मैंने तुम सबको बताया हमें ब्लॉक टाइप पे जाके यहाँ पे रिपीट कर देना होता है और यहाँ पे रेडस्टोन की जगह यहाँ पे ऑलवेज एक्टिव कर देना होता है। और इसके बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पे सिंपली ऊपर आके यहाँ पे क्रॉस कर देना है और यहाँ देख सकते हो यहाँ मेरी कमांड लग चुकी है कमांड सेट एग्जीक्यूट @a3 पंछी पार्टिकल माइनक्राफ्ट .mob flame
@_single। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैं चलता हूँ तो यहाँ पे फ्लेम आनी चाहिए थी, तो मेरे को पता नहीं चला कि यहाँ पे फ्लेम आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। तो एक बार रुको, मैं एक बार देखता हूँ क्या मेरे पीछे फ्लेम आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्योंकि तो जो मैंने डाला है ना ये पूरा फ्लेम वाला है। पर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। वैसे ये एक्टिवेट कर रखा है मैंने, पर यहाँ पे फ्लेम तो आनी चाहिए, पर यहाँ पे फ्लेम नहीं आ रही है। तो ये माइनक्राफ्ट 1.17 का ये मेरे ख्याल से अपडेट था, इसलिए यहाँ पे ये वाले कमांड नहीं डल पा रही है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक और कमांड डाल के ट्राई करते हैं, और आई होप ये वाली कमांड हमारी ज़रूर से चलेगी, और फिर हम लोग एक बार पता कर लेंगे कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी कमांड डाल सकते हैं। तो चलो अब फटाफट से मैं दूसरी कमांड लेके आता हूँ। ये वाली कमांड तो हमारी फ्लॉप हो गई, पर हाँ दूसरी कमांड आई होप चल जाए। पर एक और डिफरेंस मैं तुम्हें बताना चाहता, जो हमारा एक्टिवेट कमांड ब्लॉक होता है ना वो कुछ दिखने में इस टाइप का लगता है, और जो हमारा नॉर्मल होता है वो देखने में थोड़ा रेड लगता है। तुम लोग चाहो तो तुम्हें साफ साफ भी डिफरेंस पता चल रहा होगा, ये रेड है और ये पर्पल है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक्टिवेट कमांड ब्लॉक में हमारे नॉर्मल कमांड ब्लॉक के अंदर में। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक और नई कमांड डाल दिया है, वो भी अपने मैंने एक और नए कमांड ब्लॉक के अंदर में। और हाँ, तुम्हें एक और बात का याद रखना होगा, तुम लोग अगर दूसरी कमांड डाल रहे हो किसी कमांड ब्लॉक में तो तुम्हें उसके लिए एक नया कमांड ब्लॉक चाहिए होता है। तो यहाँ देखो मैंने अपनी दूसरी कमांड डाल दी है, वो भी एकदम ब्रांड न्यू कमांड ब्लॉक के अंदर। और इस वाली का भी एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता ये वाली चल जाए, और या फिर तुम लोग भी इससे पूरी मस्ती करना अपने वर्ल्ड के अंदर में, अपने दोस्तों को दिखाना। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आज की वीडियो का लाइक इन्वेस्ट में पता चली गया होगा, पर मैं वापस से बता देता हूँ, आज की वीडियो का जो लाइक है वो है पूरे के पूरे 110 लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट कराई दोगे। और तुम लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो ये वाली कमांड मैंने डाल दिया है, और मेरे को लगता है कि तुमने अब तक तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब यहाँ से हम लोग बैक करते हैं एक बार, और यहाँ से ब्लैक करने के बाद में अब यहाँ पे मेरे को वापस से ब्लॉक टाइप में जाके यहाँ पे रिपीट करना होगा, और रिपीट में जाके यहाँ पे मेरे को करना होगा अनकंडीशन, मतलब कंडीशन को अनकंडीशन ही रखना है, और यहाँ पे इसे ऑलवेज एक्टिव कर देना है। क्या इसके बाद में हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारी कमांड लग जाएगी, और देखो हमारी कमांड लग चुकी है। अब हम लोग इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं यार ये वाली कमांड भी नहीं चली, इस वाली कमांड ने भी हमें पोपट कर दिया। यार वैसे ये वाली कमांड तो चलनी चाहिए थी, ओके ये जो वाली कमांड थी ना, ये वाली कमांड पे मेरे को पूरा विश्वास था, पर हाँ ये वाली कमांड भी यार मेरी माइनक्राफ्ट 1.17 में तो वर्क कर रही थी, पर हाँ मेरे को लगता है इसके अंदर वर्क क्यों नहीं करी। मेरे को जहाँ लगता है ना, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि इसकी जो हमारा लोकी गार्ड 5 है ये हमारा 1.16 वाले अपडेट पे चल रहा है, और यार इसको चलाने के लिए मेरे ख्याल से हमें 1.17 चाहिए होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे तुम्हें तो पता चली गया कि तुम्हें कमांड ब्लॉक कैसे लेना है, और अगर तुम्हें कोई कमांड पता चलती है जो कि तुम लोग लोकी गार्ड 5 के अंदर यूज़ कर पा रहे हो, तो तुम लोग चाहो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हें उसके लिए शाउट आउट भी दूंगा। और अगर मुझे कोई पता चल जाती है तो मैं तुम्हें ज़रूर से हर चीज़ तो बता ही देता हूँ, तो वो भी मैं तुम्हें ज़रूर से बता दूंगा। तो गाइस बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके इस वाली वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो वो भी कर दो। और हाँ, तुम लोग ना मुझे नीचे कमेंट्स में आज कोई टॉपिक्स बताओ जो कि तुम्हें चाहिए हो माइनक्राफ्ट, लोकी क्राफ्ट, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग या किसी और गेम के ऊपर में, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर से वर्क करूँगा। जिस चीज़ की भी यार मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, मैं उनके ऊपर ज़रूर से काम करता हूँ। अब मेरे को तुम लोग एक चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी बहुत जल्दी आएगी, और साथ में एक और ब्रांड न्यू चीज़ आने वाली है जिसके बारे में तुम लोग मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे। तो चलो यार बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पर जाकर तुम लोग चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। मिलता हूँ मैं तुम सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।